आज हम मस्जिद इजाबा जा रहे हैं। ये मस्जिद जो है ये कहाँ वाक़ है पहले मैं इसकी लोकेशन आपको बता दूँ। ये मस्जिद नबी का जो दरवाज़ा है ना बाबी अब्दुल अजीज़, सीधा रेलवे स्टेशन और फिर एयरपोर्ट जाता है। जब आप वहाँ से निकलें तो दाईं तरफ जन्नतुल बकी पाकिस्तान है और उनकी तरफ हरम की एक्सटेंशन हो रही है। बस उसी रोड पर आप सीधा चलते हुए आगे आएँ तो आगे एक सिग्नल आता है, तो सिग्नल से आप लेफ्ट की तरफ हो गए तो बिल्कुल सामने मस्जिद इजाबा आता है। ये बिल्कुल मस्जिद इजाबा, ये इसका पीछे का हिस्सा है, ठीक है। और ये देखेंगे एक्सटेंशन हो रही है मस्जिद नबी की और ये बीच में रोड है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा मस्जिद नबी इसके सामने रोड पर आ जाएगी। तो ये मस्जिद इजाबा का पीछा हिस्सा है। अभी मैं आपको आगे से भी जाकर दिखाती हूँ फ्रंट वाला जो हिस्सा है, बल्कि हम अंदर भी जाके आते हैं। ये इसका एक मीनारा है और ये मस्जिद इजाबा, ये देखिए सामने मस्जिद नबी की एक्सटेंशन हो रही है। बहुत भाई माशाल्लाह एक्सटेंशन हो रही है, यानी कि बहुत वसी पैमाने पर हो रही है। तो जब ये एक्सटेंशन कम्प्लीट हो जाएगी तो ये बिल्कुल मस्जिद इजाबा के सामने तक मस्जिद नबी आ जाएगी। अभी तो बड़ा दूर है। ये देखिए मस्जिद इजाबा, ये फ्रंट वाला हिस्सा इसका, इसका नाम है मस्जिद अल इजाबा और इसका फासला मस्जिद नबी से तकरीबन 500 मीटर है। और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए। ये देखें अभी हम अंदर से आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद इजाबा का अंदर का हिस्सा आप देखें, ये मस्जिद बहुत प्यारी है। बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से काफ़ी कुशादा है और बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत माशाल्लाह प्यारी मस्जिद बनी हुई है। वैसे तो मदीने की सारी मस्जिदें बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं और साफ़ सुथरी होती हैं, लेकिन इसकी तारीख़ी हैसियत ये है कि सही मुस्लिम में है कि साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए जो कि कबीला बनू मुआविया की मस्जिद अल इजाबा है। तो आप जब इसके करीब से गुजरे तो आप यहाँ रुके और आपने दो रकात नमाज अदा फरमाई और आपने ना बहुत लंबी दुआएँ की और फिर बाद में आपने सहाबा को बताया कि मैंने अल्लाह से